बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पीएमएस विलेज फूड में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लाए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपके लिए चिकन पुलाव की रेसिपी लाई हूँ, जिसके लिए हमें ज़रूरत है 1 किलो चिकन, ये 3 प्याज जो मैंने काट लिए हैं, नमक हसब ज़रूरत, ये बिरयानी मसाला और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हरी मिर्चें, खुश्क धनिया, 2 टमाटर जो मैंने काट लिए हैं और ये चावल जो 1 घंटे से मैंने भिगो दिए। ये देखें, मैंने देगची में घी डाल दिया है जो कि अभी गर्म हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये देखें, ये मैंने प्याज डाल दिए हैं। अब हम इसे लाल होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, हमारे प्याज अब बिल्कुल लाल हो चुके हैं। ये हमने इसमें गोश्त डाल दिया। अब हम गोश्त को भूनेंगे उस वक्त तक जब तक ये लाल हो ना जाए। ये देखें, ये हमारा भून चुका है गोश्त। ये देखें, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये देखें, ये लहसुन, थोड़ी देर इसे भूनेंगे। हमारा लहसुन भी भून चुका है इसमें। अब हम इसमें ये डालेंगे बिरयानी मसाला, टमाटर, नमक। ये आखिर में हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया। ये देखें, हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब ये देखें, अब हम इसमें पानी डालेंगे। हरी मिर्चें भी डाल देंगे। ये देखें, हमारा पानी अब उबल चुका है। इसमें डालेंगे चावल जो मैंने भिगो के रखे थे। चावलों का सूख चुका है। ये देखिए, चावल बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। अब हम इस पर दम लगाएंगे। ये देखें, हमने इस पर दम लगा लिया है। 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसका दम उठा लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, हमारे अब पुलाव तैयार हो चुका है। ये देखें, हमारा चिकन पुलाव अब तैयार है। ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखें।